गुड मॉर्निंग विनीत, मोहित, धनंजय, कैसे हैं भाई आप सब लोग? पढ़ाई वगैरह चल रही है? बढ़िया। जरा जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना है, और जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, आंसर शुरू कर दिया देना। एक बार क्लास को शेयर कर देना बच्चों, जल्दी से क्लास को शेयर कर लेना है और आ जाते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे, है ना? क्लास को पूरा लाइक शेयर करते रहना। और जरा बताओ यार, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? थोड़ा सा एक बार सूचित करो, पढ़ाई बढ़िया चल रही नहीं चल रही? अच्छा, राम राम ठाकुर साहब, राम राम। सुबह सुबह से प्रभु का नाम ले लो, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज दिस? ये जो क्वेश्चन था अभी आपका, वो ऑलरेडी करवाया जा चुका है, इस वजह से मैंने इसको नहीं करवाना। तो पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ, पोटेंशियोमीटर आपका कैसा होता है? तो बेसिकली इट्स अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। कैसा होता है बच्चों? ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है, कंपैरिजन वगैरह करने के लिए काम आता है। और आप लोग यहाँ पर इसका क्या यूज़ करते हो? तो कैलिब्रेशन वगैरह आप इसे किया करते हो। यूज फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, अमीटर एंड लाइक वाट मीटर को कर लीजिए। तो ऐसे आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को ये कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो इट गिव्स गुड रिजल्ट फॉर स्टैटिक डेटा। ठीक है, ये आपका स्टैटिक डेटा के लिए तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बैड वन फॉर डायनामिक रिजल्ट, नॉट गुड फॉर डायनामिक रिजल्ट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉट गुड फॉर डायनामिक रिजल्ट। ये डायनामिक रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा, डायनामिक रिस्पॉन्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नॉट गुड फॉर डायनेमिक रिस्पॉन्स, नॉट गुड फॉर डायनेमिक रिस्पॉन्स। अरे आ गया भाई, ये आपका डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे इसका पूछते हैं हम लोग कि लाइक क्या बात हम लोग कर सकते हैं कि इसका स्पीड कैसे होता है, तो स्पीड इज बेटर फॉर द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्पीड की अगर बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट गिव बेटर स्पीड। ठीक है, ये आपके काफी अच्छी स्पीड देते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्या कहते हो आप लोग कि सर इस पे एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होती है? कंट्रोल सिस्टम पे आप इसको समिंग पॉइंट वगैरह के रूप में इसका यूज कर लेते हो। ठीक है, चलो बहुत है इसकी इतनी बातें, पोटेंशियोमीटर भाई साहब की अगले क्वेश्चन पर आओ। इस पे आज करेंगे बातें ज्यादा सी। 50 माइल लेंथ ऑफ केबल हैविंग सर्ज इंपीडेंस ऑफ 50 ओम, नॉट सो वोल्ट, 50 ओम फॉर ए 25 लेंथ ऑफ इट्स सर्ज इंपीडेंस इज। अगर आपकी यहां पर लेंथ ऑफ लाइन कितनी हो जाए, 25 माइल हो जाए, तो देन व्हाट इज द सर्ज इंपीडेंस? तो सर्ज इंपीडेंस का हमको फॉर्मूला बच्चों क्या पता है? तो सर्ज इंपीडेंस इज इक्वल टू होता है रूट एल अपॉन सी। एंड सर्ज इंपीडेंस, इसका मतलब हो गया कि दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। तो इसका मतलब है कि बच्चों यह तो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे वाह, ये कैसे हो गया सर? और अगर अब ये लेंथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो यहां पर ये फिर से वोल्ट लिखा हुआ है यार, तो ये बच्चों क्या हो गया? तो इंपीडेंस आपका कैसा रहेगा? 100% आपका वही रहेगा, 50 ओम। यहां पर क्यों नहीं चेंज कर गया? क्योंकि सर्ज इंपीडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, अच्छा, अगर आपका सर्ज इंपीडेंस लेंथ ऑफ लाइन से इंडिपेंडेंट होता है, सर्ज इंपीडेंस आपने प्राप्त कहां से किया था? तो ये मिला था कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज इक्वल टू कितना होता था? रूट जेड अपॉन वाई। ठीक
ठीक है, ये आप लोग बोलते थे रूट जेड अपॉन वाई, जेड इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, वाई इज इक्वल टू जी प्लस जे ओमेगा सी, यहां से आप लोगों ने इस पर प्राप्त किया था। चलो भाई अच्छा, इस क्वेश्चन की एक और क्वालिटी देखो कि केबल की बात कर रहा, अंडरग्राउंड केबल की कुछ वैसा ही वैल्यू लिखा जो एक्चुअली होती है, ठीक है, कुछ वैसी ही वैल्यू बच्चों यहां पर दी गई है जो कि एक्चुअली हुआ करती है ऐसे। अच्छा सर चेंज होगा, कैसे होगा बेटा? काशीनाथ गुड मॉर्निंग, रुद्रा तो कैसे चेंज होगा जरा बताओ। अच्छा यहां पर आ जाओ, इस पूरे टॉपिक को ना एक बार कवर कर लिया जाए जहां पर आपकी ये बातें हुई थी। ट्रांसमिशन कॉफिशियंट ऑफ वोल्टेज कितना होता है? ट्रांसमिशन कॉफिशियंट ऑफ वोल्टेज हुआ करता है बच्चों 2ZL अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है। ट्रांसमिशन कॉफिशियंट ऑफ करंट कितना होता है? तो सर ये हुआ करता है 2ZS अपॉन ZL प्लस ZS, ठीक है, ZL प्लस ZS। सर रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट ऑफ वोल्टेज कितना हुआ करता है? तो सर ये होता है ZL माइनस ZS डिवाइडेड बाई ZL प्लस ZS, ठीक है। सर रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट ऑफ करंट कितना होता है? तो दिस इज इक्वल टू ZS माइनस ZL डिवाइडेड बाई ZL प्लस ZS, ठीक है। दिस आर द फोर पॉइंट्स, रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट ऑफ करंट। डोरीमोन कह रहे हैं कि 30 से 60 के, हाँ उसी रेंज पर तो मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट, इट्स अ सर्ज इंपीडेंस मेरे दोस्त, इसको तो ध्यान दीजिए। तो ये बच्चों अगर आपके पास बातें हो गई कि आपने क्या बोला सर ये कॉफिशियंट होते हैं, इफ अगर मैं यहां पर आपसे फर्स्ट केस की बात कर लूं कि अगर सर लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या बताते थे कि सर ट्रांसमिटेड वोल्टेज आपका सोर्स वोल्टेज के बराबर होता था, जो आपका ट्रांसमिटेड वोल्टेज है जो भी आपने इनपुट वोल्टेज दिया है उसके बराबर हो जाया करता था। अच्छा सर तो ट्रांसमिटेड करंट आपकी कैसे हो जाती थी? आई डबल डैश इज इक्वल टू आई हो जाती थी, क्योंकि ZL इज इक्वल टू ZS चल रहा है। सर रिफ्लेक्शन वोल्टेज एंड रिफ्लेक्शन करंट आपकी कितनी हो जाती थी? तो सर ये वैल्यू आपकी शून्य होती थी। एक बात यहीं पर साथ में एक और एक्स्ट्रा बात कर ही लो, कौन सी बात? कि सर इफ लोड इज लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, लोड इज लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तभी सर फेरांटी इफेक्ट हुआ था, तभी आपका कौन सा इफेक्ट हो गया था? फेरांटी इफेक्ट। अच्छा यहां पर जब आपके कुछ कार्य हुए थे ऐसे ऐसे फेरांटी इफेक्ट को अवॉइड करने के, बाकी आपको पता है यहां पर आपको एक सर्ज इंपीडेंस लोडिंग भी ध्यान दे लेना चाहिए। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इज इक्वल टू होता है वी एस स्क्वायर अपॉन जेड एस, मतलब वह कंडीशन जब आपकी लाइन पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ना ही वोल्टेज पर और ना ही करंट पर। वोल्टेज और करंट पर अगर आपकी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की कंडीशन होगी। और अगर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की कंडीशन हो रही है तो आपका लॉसलेस लाइन आप लोग बोलते थे, क्योंकि रिफ्लेक्शन सर हो नहीं रहे। और अगर ये भी आपकी बातें हो गई, फेरांटी इफेक्ट भी आपका नहीं हो सकता है। फिर यहीं पर आप लोगों ने कंपनसेशन वगैरह की बातें की थी, यहीं पर आप लोगों ने कुछ कंपनसेशन की बातें लाइक की थी। लाइक चलो धनंजय कह रहे हैं कि सर इसको जरा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो चलो फेरांटी इफेक्ट यहां पर डिस्कस भी हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन पर आपका लोड इंपीडेंस बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। लोड इंपीडेंस आपका ओपन सर्किट कंडीशन, वन सेकेंड यार, ओपन सर्किट कंडीशन पे लोड इंपीडेंस आपका कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। तो ZL का वैल्यू अगर आपका इन्फिनिटी है तो V डबल डैश बाई V इज इक्वल टू 2ZL बाई ZL प्लस ZS, 2ZL बाई ZL प्लस ZS। जरा ZL कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 बाई ZL आपका कॉमन आ गया, 1 प्लस ZS बाई ZL, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों वैल्यू? तो V डबल डैश बिकम्स इक्वल टू 2V, V डबल डैश बिकम्स इक्वल टू 2V, तभी तो भाई साहब आपका हो गया। हाँ ZL इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो बाई मिस्टेक जीरो लिख गए थे हम। तो आपका अब क्या पाते हो कि सर यहाँ पर तो आपका ट्रांसमिटेड वोल्टेज आपका ज्यादा हो गया, यही तो था फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट इसी को तो बोलते थे, जिसमें आपका वोल्टेज का मान सोर्स वोल्टेज के मान से ज्यादा होता था, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज का मान सोर्स वोल्टेज के मान से ज्यादा होता था। रीजन क्या होता था बिहाइंड दैट? तो रीजन आपका कैपेसिटर हुआ करता था। कौन सा रीजन बच्चों होता था? तो ये कैपेसिटर का आपका कारण हुआ करता था। अच्छा सर ये बातें होगी, सर यहाँ पर ट्रांसमिटेड करंट कितनी होगी? तो ट्रांसमिटेड करंट विल बी इक्वल टू शून्य, जहां पर आपके बच्चों करंट कितनी हो जाएगी? शून्य। सर यहां पर आपका अगर वी डैश आप निकालोगे ना, तो ये माइनस वी के बराबर निकलेगा, ठीक है। वी डबल डैश इज इक्वल टू आप निकालोगे, जरा जेड एल पर काम करना, कॉमन ले लेना, तो माइनस वी हो जाएगा। यही तो रिफ्लेक्ट जो होना था, जो वापस आना था, वह सोर्स की तरफ चला गया। और सर आई डैश इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? आई डैश इज इक्वल टू आई हो जाएगा। यहां पर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी, ठीक है। अच्छा सर इतनी इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सर इसके बाद यहाँ पर और कोई घटनाएं घटित होती हैं क्या? हाँ जी भाई, और भी घटनाएं घटित होती हैं। कंपनसेशन देखना चाहोगे क्या? जरा बतलाओ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर रहन देते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाएंगे, कुछ नया वहां पर सीखेंगे। तो कंपनसेशन, अब अच्छा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, तो चलो शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ जाओ, देख लो शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर आपका बच्चों क्या होता है। तो जेड एल इज इक्वल टू हुआ करता है शून्य, जेड एल इज इक्वल टू हो जाएगा शून्य, तो वी डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर एक अच्छाई और ये है कि सर ये चीज मुझे पता चल जाती है कि शॉर्ट सर्किट पर वैसे ही वोल्टेज शून्य होता है, तो वी डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा शून्य सर, एंड आई डबल डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, आई डबल डैश बिकम्स इक्वल टू 2 I। शॉर्ट सर्किट में सर करंट बढ़ जाती है, ज्यादा सोचना नहीं है। वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डैश बिकम्स इक्वल टू माइनस वी, ठीक है। जेड एल का वैल्यू अगर आप शून्य करते हो तो वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी, एंड आई डैश विल बिकम इक्वल टू माइनस आई, आई डैश इज इक्वल टू सॉरी प्लस वन प्लस आई। तो आई डेस का वैल्यू बच्चों आपके पास ये हो जाएगा। इन वैल्यूज पर जरा कंसंट्रेट करिएगा, इन सबसे आपसे पूछता है अक्सर क्वेश्चंस कि आपका ये क्या करेगा। अच्छा भाई चलो, अगर ये बातें कर ली ना, तो अब सिर्फ दो केसेस में आपसे डिस्कस किए लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के डिस्कस किए। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड, अगर आपका प्योर इंडक्टर आपके लोड पर लगा हो तो आउटपुट वोल्टेज कितना प्राप्त होगा, और इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव लोड आउटपुट आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। प्योर इंडक्टिव लोड पर आपका, प्योर इंडक्टिव लोड पर वी डबल डैश इज इक्वल टू हुआ करता है 2V ई पावर माइनस जेड एस टी अपॉन एल, ठीक है बच्चों कितना होता है, वी डबल डैश इज इक्वल टू हुआ करता है 2V ई पावर माइनस जेड एस टी अपॉन एल। जबकि यहीं पर अगर आपका प्योर कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है प्योर कैपेसिटर लोड हुआ करता था, तो वी डबल डैश इज इक्वल टू होता था 2V 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी जेड एस, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी डबल डैश। तो वी डबल डैश बच्चों यहाँ पर आपको कितना प्राप्त होता था, मतलब आउटपुट पे वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है, 2V 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी माइनस टी अपॉन सी जेड एस। अगर आप लोग चाहो अपना होमवर्क करना चाहो तो आप यहाँ पर कंपनसेशन घर पे जाकर के पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, कंपनसेशन घर पे जाकर के आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अगर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो और अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं। When induction motor is stopped, then slip will be. अगर आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट है सॉरी स्टॉप है तो स्लिप कितनी होगी, इंडक्शन मोटर अगर वो रुकी हुई है तो एन आर का वैल्यू शून्य होगा एंड स्लिप बिकम्स इक्वल टू यूनिटी, स्लिप आपका यूनिटी हो जाएगी। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि स्लिप इज इक्वल टू शून्य, किस कंडीशन पे स्लिप का वैल्यू शून्य होगा, आंसर करें भाई, चेक कर रहा हूँ मैं सबके आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों स्लिप का वैल्यू शून्य कब होगा, स्लिप बिकम्स इक्वल टू जीरो व्हेन, कब कब स्लिप का वैल्यू शून्य कब होगा, व्हेन एन आर इज इक्वल टू, एन आर का वैल्यू उस टाइम पे कितना होगा। अरे यार ब्लॉक रोटर अभी क्यों ये बातें कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग कंडीशन की क्वेश्चन रहा हो। हाँ काशीनाथ वाह, क्लास को यार शेयर करो यार, आप लोग आज कर क्या रहे हो, बच्चे मेरे बहुत कम है भाई, तो एक बार क्लास को चलो जल्दी से शेयर करके आओ भाई, सबके सब क्लास को शीघ्रता के साथ शेयर करके आइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ स्लिप का वैल्यू शून्य होगा जब आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, जब आपका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है तब ये कंडीशन आपकी हुआ करती है। अच्छा सर ये तो बातें बाकी इंडक्शन मोटर की सबको बताओगे, अगर मैं रोटर फेड इंडक्शन मोटर की आपसे बातें करूं, ठीक है मैंने क्वेश्चन क्या किया कि रोटर फेड इंडक्शन मोटर पता है ना, रोटर फेड इंडक्शन मोटर, तो अगर रोटर फेड इंडक्शन मोटर की आपसे बातें की जाती हैं, रोटर फेड इंडक्शन मोटर की अगर मैं आपसे यहां पर बातें करूं तो देखते हैं क्या होगा। वेट थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कितना मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इंतजार करेंगे, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी रखनी है,
और ऐसे मुस्कुराना है सबको, ठीक है? बस अभी 1 मिनट में आ गए। जी भाई चलो क्लास शुरू करते हैं, बहुत हुई बातचीत, चलो आ जाओ आ जाओ, आइए भाई। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था कि मुझको यहाँ पर आपसे बात करनी है। अच्छा मैम कहाँ से आ गई यार? कौन सी मैम आ गई यार? तो आप लोग मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, ये अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, रोटर फेड इंडक्शन मोटर, रोटर फेड इंडक्शन मोटर के केस की अगर आपसे मैं बात करूं तो बच्चों यहां पर स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, यहां पर मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितनी होगी बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर आपकी कैसे होती है? विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। देखो ये बात आपकी सही हो सकती है लेकिन आधी बात सही होगी यार। ये जब स्टैंड स्टिल पे है ना तब तक सही है, लेकिन अगर ये रनिंग कंडीशन आ गई देन मल्टीप्लाई बाई स्लिप, देन मल्टीप्लाई बाई स्लिप, दैट इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाई एन एस, ठीक है? तो यहां पर आपकी जो बातें कर रहे थे, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, दिस इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाई एन एस, इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। कितना हो गया बच्चों ये? एनएस माइनस एन आर। अगर एक आपसे और यहां पर क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज द स्पीड नहीं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी अगर आपसे यहां पर कर ले तो स्लिप मल्टीप्लाई बाई रोटर फ्रीक्वेंसी, आप बतला देते हैं कि सर स्लिप मल्टीप्लाई बाई रोटर फ्रीक्वेंसी होती है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक केस है, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, रोटर फेड इंडक्शन मोटर का केस है, अच्छा हो सकता है यहां पर। तो आपकी यहां पर आंसर क्या होगा? व्हेन द इंडक्शन मोटर स्टॉप्स देन स्लिप बिकम्स इक्वल टू यूनिटी, ठीक है? चलिए भाई आंसर करिए। इंसुलेशन यूज्ड इन गाय केबल, गाय केबल आपकी होती क्या है? ये जो पोल्स वगैरह पर लगी होती है ना किनारे पर, ये जैसे आपके ये पोल हो गया, अब इसको सहारा देने के लिए जो होती है दैट इज कॉल्ड द गाय केबल, ठीक है? ये आपकी गाय केबल कहलाती है। यहां पर आपका एक इंसुलेटर यूज करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करंट यहां पर लीकेज करंट वगैरह आ जाए, ठीक है? कुछ लीकेज करंट वगैरह आ जाए तो ये आपका कौन सा होता है गाय केबल पे जरा बताओ? तो दिस इज दिस वन से इंसुलेटर, ये आपका कौन सा इंसुलेटर होता है? दिस इज से इंसुलेटर। अच्छा सर ये बात तो हो गई सर, ये तो बढ़िया बतला दिए। सेकल इंसुलेटर का आजकल बहुत ज्यादा आप लोग यूज नहीं कर रहे हो, कितने केवी तक यूज करते थे बच्चों? 11 केवी तक। पिन टाइप इंसुलेटर का यूज आप थोड़ा सा कर रहे हो, 33 केवी तक आप इसका यूज करते हो। डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज आप लोग कर रहे हैं फॉर लार्ज वोल्टेज रेंज, ठीक है? आप लोग इसका यूज काफी जगह पर कर देते हो, लार्ज वोल्टेज रेंज पर आप लोग डिश टाइप इंसुलेटर का यूज करते हो। अच्छा सर डिश टाइप इंसुलेटर में जो ईच डिस्क का वोल्टेज होता है, ईच डिस्क वोल्टेज इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ करता है? तो दिस इज इक्वल टू 11 केवी। ये बच्चों कितना होता है? प्रत्येक डिस्क का वोल्टेज जो होता है 11 केवी आपका हुआ करता है। अगर यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इंसुलेटर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ डिश कितनी यूज हो रही है, नंबर ऑफ डिश, तो आप बच्चों क्या बतलाते थे कि सर नंबर ऑफ डिश इज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय द डिस्क वोल्टेज। यहां पर आपका डिस्क वोल्टेज आपका कितना हो रहा है, ठीक है? ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय द डिश वोल्टेज, यहां पर आप लोग ऐसे बतला देते थे कि सर ये ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। अच्छा भाई सर और भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप देते हो क्या? हाँ जी बेटा, तो एक ये हो गया। अगर आपसे यहाँ पर इफिशियंसी पूछ रहा था तो इफिशियंसी आपने क्या कहा था कि सर इफिशियंसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, क्या आप बतलाते थे इफिशियंसी? इफिशियंसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाई एन क्रॉस वोल्टेज ऑफ डिस नियर टू कंडक्टर, एन क्रॉस वोल्टेज ऑफ डिस
नियरर टू कंडक्टर, वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरर टू कंडक्टर, कंडक्टर के पास का आपका वोल्टेज आपका, ठीक है। आपको एक बात और याद रखना चाहिए कि ये जो आपका लोवेस्ट वाली डिस्क होती है ना, जैसे ऐसे आपने बना देना है ना, ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पर आपका क्या होता था, ये आपका बन गया ओवरहेड वायर, ठीक है, ये आपका वायर। यहाँ पर आपका लीकेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लीकेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बच्चों कैसा होता है, तो आप कहोगे कि सर वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। कई बार आपसे करंट के टर्म पर पूछ लेता है कि ज़रा करंट के टर्म पर बतला दो, आपसे ना कई बार करंट के टर्म पर पूछ लेता है कि करंट लीकेज करंट कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो सबसे लोएस्ट वाले पर बच्चों ज़्यादा होती है, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे इसका ह्रास होता चला जाता है, कम होती चली जाती है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट रिलेटेड फ्रॉम द डिस्क टाइप इंसुलेटर। बाकी आप लोग इनकी इफिशियंसी वगैरह बढ़ाने के लिए क्या काम करते हो कमेंट बॉक्स पर जल्दी से बतला दो, कि यहाँ पर एक्चुअली जो प्रत्येक डिस्क का यहाँ ये जैसे आपके लगे हुए ना, प्रत्येक डिस्क का जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना, वो सेम नहीं रह जाता जब आप ऑपरेट करते हो, इक्वल नहीं यूज करता है। तो जब ये बात बच्चों ये नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा, पहली बात मुझको इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, और मैंने मेरी बताई हुई सारी बातें हैं, और दूसरी बात कि सर यूज तो नहीं हो रहा, और व्हाट पहली बात व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, इसका आपका रीजन क्या है, और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इन विच टोपोलॉजी आर मल्टीपल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंपोनेंट, किस टोपोलॉजी पर आप लोग मल्टीपल नोड सेंट्रल पॉइंट पर कनेक्ट किया करते हो, सेंट्रल कंपोनेंट पर आप लोग कनेक्ट करते हो, तो ये आपका टोपोलॉजी है दिस वन, और इसको आप लोग बोलते थे स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार कनेक्शन, और ये आपका बन गया डेल्टा। आपके यहाँ पर मल्टीपल एक साथ नहीं कनेक्ट होते हैं, स्टार जब आपका होता है तो स्टार पर आपको एक चीज मिला करती है, दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बच्चों कौन सा पॉइंट मिला करता है, तो यहाँ पर आप लोगों को न्यूट्रल पॉइंट भी मिला करता है। कुछ बता रहे हो क्या, मैंने कुछ पूछा था बच्चों ने आंसर नहीं दिया, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस, नो 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 धनंजय वर्डिंग सही नहीं हो पाई बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस टाइप वाली बात नहीं करोगे यहाँ पे ना, सही करो सही करो सही करो, ये बताओ चलो जल्दी सब लोग फिर से आ जाओ, मैं सोच रहा था आप लोग आंसर कर रहे हो, चलो आंसर करो जल्दी से। Why are not voltage same in each disc? जब operating condition पर है तो voltage same क्यों नहीं है? तो अभिषेक कह रहे हैं कि सर आज मेरी पहली क्लास है, तो अभिषेक स्वागत है आपका हमारे इस EAD परिवार में, नियमित लगातार आते रहें, जुड़े रहें, और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरा बताइए, इसका आंसर करो जी सब लोग, इधर उधर की बातों में लग जाते हो। हाँ इसको ये क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेना, पहले ये तो बताओ म्यूचुअल कैपेसिटेंस या स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं, जो ये तो पैरेलल पे लगाते थे ना ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उस कैपेसिटेंस की वजह से आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो था ना बच्चों वो सेम नहीं रह पाता है। क्यों नहीं सेम रह पाता वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल बोल दीजिए, संट बोल दीजिए, या फिर स्ट्रे कैपेसिटेंस वर्ड यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी टोपोलॉजी है, तो यहाँ पर आपकी बच्चों जो टोपोलॉजी है दिस इज द स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पर कौन सा यूज किया है आप लोगों ने, स्टार टोपोलॉजी। स्टार कनेक्शन के बारे में आपको क्या क्या बातें पता है कि सर स्टार कनेक्शन पे जो लाइन वोल्टेज होता है मेरा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज हुआ करता है, सर स्टार कनेक्शन पे जो लाइन करंट होती है सर फेज करंट के बराबर होती है, सर स्टार कनेक्शन पर ही एक और बात होती है कि स्टार कनेक्शन पे लाइन पर मेरी थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होती है, थर्ड हार्मोनिक्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है, लाइन पर आपकी थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होती है, इनकेस ऑफ फेज के होती है क्या, तो हाँ जी फेज पर प्रेजेंट होती है थर्ड हार्मोनिक, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था किसी एग्जाम पर भी पूछा गया मैं बताऊं, और स्टार कनेक्शन था, पता नहीं शायद मैंने आपको कराया नहीं कराया, उन्होंने आंसर दिया था V1 3V1 square + 3V3 square, जबकि लाइन वोल्टेज पूछा गया था, ठीक है, क्या किया गया था, लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन पूछा गया था, और उसके बाद भी आंसर ये कर दिया था, जबकि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि लाइन पर आपका वोल्टेज नहीं होता है। पेपर्स वगैरह तो आप चेक ही कर रहे होगे लगातार कि हाँ जी सर हम डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, मैं भी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से लाता हूँ कि जिससे आप लोगों को
पेपर का पैटर्न पे लगातार बने रहे, तो यहाँ पर आपके फेज में थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेज पर आपका क्या होता है बच्चों, थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। व्हाइल इन केस ऑफ डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन पर बच्चों कितना होता है, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा कनेक्शन पे लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हुआ करती है सर। और क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन के ये जो लूप है ना, यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो करती है, ठीक है। कहाँ पर फ्लो करती है, तो इस लूप पर आपके थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो किया करती है, जबकि जबकि आपके बाकी आपके बाहर लाइंस पर आपका अवेलेबल हो सकती है। आप लोगों ने एक टर्सरी डेल्टा की भी पढ़ाई की होगी, आपने क्या पढ़ी होगी, टर्सरी डेल्टा। तो टर्सरी डेल्टा का आप लोग कहाँ पर यूज़ करते थे, व्हेन थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्टेड होता था। जब आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर बच्चों स्टार स्टार कनेक्टेड होता था, तो वहाँ पर टर्सरी डेल्टा की आप लोग बातें किया करते थे। ओ UPPCL, तो UPPCL में किस एग्ज़ाम की, JEE की AEE की, पूरा बताओ ना। ये आपकी हो गई बातें, आओ चलो जल्दी से रिवाइज करो। एक बात और, अब यहाँ पर आपको जो रिवाइज करनी चाहिए बातें मेरे साथ, वो रिवाइज कर लेने चाहिए कि सर डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन कैसे होता है, R1 R2 R3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे RA पूछ लूँ, मतलब डेल्टा टू स्टार, तो आप बच्चों को क्या बतलाते थे कि सर इट्स वैल्यू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन की आपको याद होगी कि क्वेश्चन था आपके लिए, अच्छा इसमें से कितने बच्चे हैं जो AE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरा बताओ यार, एक बार जरा AE का प्रिपरेशन बताओ, और क्लास को शेयर करते रहो। भूल जाते हो क्या आप लोग, क्लास को शेयर करते रहा करो यार, ऐसे अच्छा लगता है। ओपन डेल्टा टोटल कैपेसिटी, हाँ जी हाँ, वो ट्रांसफार्मर पर फिर हम चले जाते हैं ना बेटा, तो मैं वहां जाना नहीं चाह रहा अभी। कितने जो हमारे मित्र हैं जो AE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस बार तो PCL में AE बन जाना है, तो उसमें सौरभ हैं, धनंजय हैं, अच्छा सौरभ कह रहे हैं कि सर मैं HPPSC AE। हाँ मैं सिर्फ AE का एग्जाम जानना चाहता हूँ कि AE का एग्जाम का प्रिपरेशन जो भी कर रहे हो। JEE की तैयारी इंजीनियरिंग बॉयज कर रहे हैं, हाँ तो JEE पे भी पैटर्न तो सब लगभग सेम ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो होता नहीं, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पर प्रोसीजर अपना रहे हो, तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और इम्पीडेंस तीनों के लिए अपनाते हो। मैं एक बात और बतलाना चाह रहा था कि देखो ऐसे छोड़ मत दिया करो, जैसे स्टार डेल्टा भी मिल गया ना, तो उसके बारे में जान लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार डेल्टा के बारे में जान लेना है। क्यों जान लेना है, या रिवाइज कर लेना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पे जब आपका पूछा गया था, किसका क्वेश्चन आपका किया गया था कि लाइक व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो भी आपका एक क्वेश्चन था, अच्छा जी, मतलब कुछ बच्चे ना पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के ले आते हैं। चलिए शुक्रिया कि आप पढ़ी थी हमसे। चलो यार छोड़ो, तो ये रही बातें। अब आपका अगर मैं यहाँ पर आपसे बच्चों पूछता कि आर ए आर बी आर सी, ठीक है, आर वन की वैल्यू अगर आपसे बच्चों मैं पूछ लेता, आर वन का वैल्यू आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा पे जो भी आपका मस्त प्लेस है, आप वहां रहे हो क्या धनंजय, वहां से पढ़ाई की, क्या किया वहां पर, कैसे पहुंच गए बांदा में। चलो ये बातें हो गई, ट्री टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी, ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। बस टोपोलॉजी, बस आपकी कितनी प्रकार की होती थी, अगर चलो जरा बस का रिवीजन करो भाई जल्दी से। तो बस वाई बस या जेड बस आपकी होती थी ना, कैसी होती थी, तो लाइक आपका एक वाई बस हुआ करती थी। तो बच्चों वाई बस आपकी कैसी मैट्रिक्स होती थी, वाई बस मैट्रिक्स जब आप बनाते थे, तो मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी। वाई बस मैट्रिक्स अगर आप बात करते थे, तो ये बच्चों कैसी होती थी, तो ये स्पार्सिटी मैट्रिक्स हुआ करती थी। कौन सी मैट्रिक्स होती थी बच्चों, तो ये स्पार्सिटी मैट्रिक्स आपकी वाई बस मैट्रिक्स हुआ करती थी, ठीक है। यूज़ कहाँ पर करते थे, तो लोड फ्लो स्टडी पर आप लोग इसका यूज़ किया करते थे, लोड फ्लो स्टडी पर आप इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। एक आपकी और मैट्रिक्स होती थी, दैट इज कॉल्ड जेड बस मैट्रिक्स, ठीक है। जेड बस मैट्रिक्स आपके बच्चों कैसी होती थी, तो जेड बस मैट्रिक्स आपकी फुल मैट्रिक्स पे काउंट होती थी। कौन सी मैट्रिक्स है आपकी,
जेड बस मैट्रिक्स, फुल मैट्रिक्स आपकी हुआ करती थी, फुल मैट्रिक्स आपकी हुआ करती है। दूसरी बात, आप इसका यूज़ कहाँ पर करते हो, तो इन केस ऑफ फॉल्ट एनालिसिस पर आप इसका यूज़ किया करते थे, फॉल्ट एनालिसिस पर यूज़ करते हो। जेड बेस के लिए प्रॉपर एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है, इस टोपोलॉजी को घर पे जरा पढ़िएगा ज़रूर। जबकि वाई बस मैट्रिक्स आप लोग डायरेक्ट बनाते थे, ठीक है, डायरेक्ट एनालिसिस से आप बनाते थे। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट एनालिसिस पे कब नहीं बनती थी, इफ़ म्यूचुअल कपलिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड्स, ठीक है, अगर आपका म्यूचुअल कपलिंग दो के मध्य प्रेजेंट होती थी, तो फिर डायरेक्ट टोपोलॉजी से नहीं बनती थी आपकी ये मैट्रिक्स। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ आप आगे आइए। और आपको क्या मिल रहा है, इरेगुलरिटी फैक्टर ऑफ द पॉलिश्ड वायर। पॉलिश्ड वायर का बच्चों इरेगुलरिटी फैक्टर कितना होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1। आप चाहते नहीं हो कि सरफेस आपका खुरदरा हो या कुछ भी आपका हो। गुड मॉर्निंग राखी जी, आजकल आप टाइम पे नहीं आते हो, छुट्टी मार रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेंटेनेंस कैन मीजर वोल्टेज करेंट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका हर एक चीज़ मीजर करता है, ठीक है, जो कि हर एक चीज़ मीजर करता है, लाइक वोल्टेज करंट एंड कॉन्टिन्यूटी, और रेजिस्टेंस को भी मीजर कर लेता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्यों मीजर करते हो, सॉरी कहाँ से मीजर करते हो आप लोग का, कमेंट पढ़ने लगो ना तो फिर यही होता है, बात कहीं की चलती है, आंसर कुछ निकल जाता है। दिस इज द मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर हो गया। सीआरओ के बारे में आप लोग बाकी बातें जानते ही होंगे, मेगर का हाई रेजिस्टेंस आप मेजर करते हो, सीआरओ पे आप लोग वेवफॉर्म्स वगैरह देखा करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपकी। अरे मेगर मत कर दो यार, मल्टीमीटर लगाओ भाई, रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करना है, सारी सारी बातें। क्लास को लाइक शेयर करने पर जो भी कंजूसी कर रहा है ना, तो सब ऐसे ही मेरे को लग रहा है ना कि सब बस बोल देते हैं कि सर आप तो ना बहुत अच्छे हो, और सर लेकिन बस दिखावा चल रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, 0.1s, 0.1s, 1+0.01s। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपकी क्या क्या होती हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी योगी जी आ रहे तो चलो यार, कौन आ रहा है ये जरूर एक बार पूछिएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे बच्चे अपने आने वाले प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि भाई वोट मांगने क्यों आए हो, वो जवाब देंगे विकास, बोले विकास का स्पेलिंग भी पता है। पूछना उन लोगों से जरूर आप लोग कि कैसे होता है विकास, और सबसे मेन जितना भी कैंडिडेट आप लोग के यहाँ आता है उनसे क्वेश्चन जरूर करिएगा कि इंजीनियर्स के लिए क्या करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच बंद हो रही है कई सारे कॉलेज से, जब बंद हो जाएगा जनरेशन कौन करेगा, कौन करेगा काम इन पे, ठीक है। तो ये सारी बातें जरूर पूछेगा वो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो योगी जी की पार्टी से हो, अखिलेश जी की पार्टी से हो, बसपा से हो, केजरीवाल साहब की पार्टी से हो, जरूर क्वेश्चन करिएगा, संकोच मत करिएगा, युवा पीढ़ी है, आप हम ही सवाल करेंगे। और इसमें ये मत सोचिएगा ये किसी और का काम है, आपका ही काम है, सारे 18+ तो होंगे ही, जितना मैं आपको जानता हूँ 18+ है, तो इसलिए क्वेश्चन जरूर करना है। चलो इधर आ जाओ, इधर उधर की बातों पे चले जाते हो। द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर, यहाँ पर बच्चों आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कितनी होगी, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बच्चों आप कैसे पता करते थे, तो आप इसको सिस्टमेटिक फॉर्म पर रख दीजिए, जैसे ही आप इसको सिस्टमेटिक फॉर्म पर रख देते हो तो आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। 1000 डिवाइडेड बाई 1+ एस, एस बाई वाली होती है, एस के जो डिवीजन पर होता है वही आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो एस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आप कौन कौन सी बोल दोगे, सर 10 एंड 100, एंड वॉट यू नो अबाउट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैं देखो मैं तो बोल रहा हूँ किसी स्पेसिफिक पार्टी पर नहीं, कमेंट वाला बात है, लेकिन इस चीज को भूलिएगा मत कि आने वाले हर प्रत्याशी से सवाल जरूर करिएगा कि भाई इंजीनियर्स के लिए कुछ सोचा है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कुछ सोचा है, क्या होता है ये, इसके बारे में क्या जानते हो आप। सिर्फ यही जानते हो कि कोई एक जेई साहब होते हैं, कोई एक एसडीओ होता है, एक सीएन होता है, इसके अलावा क्या जानते हो इनके लिए आप, कि क्या योजनाएं हैं, क्या ये भी व्यक्ति हैं, क्या सरकारी वैकेंसीज निकलती रहेंगी,
प्राइवेटाइजेशन होने का जो चल रहा है सिस्टम वो कैसे है क्या है, और जरूर एक क्वेश्चन और करें आने वाले हर एक प्रत्याशी से कि जो एनटीपीसी में इतना बड़ा कर्म कांड हुआ ना शुरू से लेकर के लास्ट तक किसको पता है, ये जरूर क्वेश्चन करिएगा, ये आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चुनाव में सिर्फ वोट नहीं जाकर के दे आना, कुछ कह देंगे सर मैं तो नोटा दबा दूंगा, नोटा दबाने से क्या हो जाएगा, या सर मैं तो फला पार्टी का बंदा हूं मैं तो उसी को दूंगा हमने हमेशा से दिया है, क्या होगा यार फायदा, जाकर के क्वेश्चन करिए अपने होने वाले जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारी बनती है आपकी, अगर आज आपने नहीं किया ना तो कल फिर रोना भी मत आ करके। बच्चे कमेंट्स करते हैं बहुत बार, लगता है सर सुसाइड कर लें, लगता है सर ये कर लें, लेकिन क्वेश्चन करने के टाइम पे आप ही लोग पीछे होते हो, पीछे मत होना बोल रहा हूं पहले से ही। हाँ येलो पेन ही यूज करेंगे डोंट वरी, तो ये काम है जाकर के परेशान करना है प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों से सवाल करना है, बोले आओ रुको हमारे पास 5 मिनट, अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार में नहीं रुक पा रहा तो एक बार विधायक बनने के बाद क्या रुकेगा आपके पास, क्यों मिले आपसे सीएम, प्रचार में तो आप रोक नहीं पाए थे, तो रोकिए, हर बंदे को रोकना है, मॉर्निंग, एक गुड को नहीं मॉर्निंग रोकना, जय जो भारत। भी आते हैं सबको रोकना है, और सारे बच्चों को ये कार्य करना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वेश्चंस जरूर करें कि आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा, क्यों इस बार वैकेंसीज कम हो गई, क्यों एकदम धड़ाधड़ वैकेंसीज निकली, क्यों पिछली ज्वाइनिंग अभी तक पीसीएल की नहीं हो पाई है, क्या कारण है, चुनाव तो हो रहा है टाइम पे, क्या कारण है कि लाठी चार्ज हो गई, या फिर देखो एक ही बुराई नहीं कर रहा हूं, कुछ ने सफाई महोत्सव किया था, कुछ ने मूर्तियां भी बनवाई थी, कोई राम मंदिर के नाम पर भी मांग रहा है चंदा, चंदे से आपके हमारे बन रहा है क्रेडिट कोई और लिए जा रहा है, संघर्ष किया होगा बिल्कुल मानते हैं, लेकिन संघर्ष में और भी काफी लोग थे। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, पढ़ाई तो बिल्कुल करनी है, लेकिन आपको ही अपना भविष्य सुधारना है, कोई तीसरा नहीं आएगा लड़ने, वो तो चाहते ही कि आप बेवकूफ बने, तो जब आप बात करेंगे कल आपके साथ कोई और खड़ा होगा, ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा करिएगा जरूर, आप ही हो सब कुछ, सिर्फ एक व्यक्ति ही डिसाइड कर देता है कि सब कुछ क्या है, एक था बड़ा बुजुर्ग टाइप के एक व्यक्ति थे, कल उनका शहीद दिवस भी मनाया जाता है, डंडा लेकर के धोती पहन के चल दिए थे, पूरा देश पीछे चल दिया था, कुछ तो बात थी, कुछ तो बात थी एक बंदे में जिसने अपने मूछों पे ताव दिया था और फांसी पर लटक गया था, क्योंकि उनको लड़ना था, ऐसे ही बैठ करके सिर्फ गाली नहीं देना था उनको कि सर एनटीपीसी वालों के साथ गलत हुआ है, या हमारी वैकेंसी ना निकाल करके सरकार गलत करती है, एक तो पढ़ाई नहीं करते हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हो, और तीसरा बहानेबाजी ज्यादा करते हो, ठीक है, तो ये सारे कर्म बंद आज से ही, आने वाले बंदों से पूछिए भी कि भाई हमारे लिए करोगे क्या, वोट डालने जाने से पहले बात करिए कि किसी ने किसान सम्मान निधि दे दिया तो उसके भी कई सारे तरीके हो सकते थे, आप भी बताओ कि भाई ये किया होता यार इससे क्या प्रॉफिट हो गया या इससे क्या लॉस हुआ, हमारी तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो आप, तो सारी बातें जरूर करिए, वोट डालने से पहले एक बार सोचना जरूर, ऐसे ही मत कर देना कि कसरम डाल करके आ गए। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोडे प्लॉट, अब आ जाओ हम लोग बातें करते हैं यहाँ की, क्योंकि अब हमको करनी है पढ़ाई, एग्जाम है हमारा 1-2 महीने बाद, एग्जाम सबके कंडक्ट होने वाले हैं, तो मिठाई भी तो खानी है एग्जाम के बाद के, तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज क्या डिसाइड करती हैं, ठीक है, तो करिएगा थोड़ा सा काम कुछ हमारे लिए भी, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, हम भी पूछेंगे आप भी पूछिए, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जो भी मिलेगा हमसे हम पूछेंगे कि भाई क्या आपका तैयारी क्या है, कैसे है, क्या करोगे आप आगे हमारे लिए, या सिर्फ अपने मन की आप बना करके कुछ योजनाएं हमारे ऊपर थोप दोगे, कुछ वो योजनाएं बनाइए जो हम चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपने अकॉर्डिंग आप करिएगा, तो थोड़ा सा करिएगा, किसी का युवा नेता बनकर के मत घूमिएगा, आज विधायक जी के साथ बिताए हुए कुछ सुनहरे पल ये मत करना यार सबसे गंदा है वोडे प्लॉट, वोडे प्लॉट में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अब आ जाओ बातें नहीं करेंगे कहेंगे, वोडे प्लॉट आप में इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाता है एडिशन पर, एप्लीकेशन आपका किस पे कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन पर कन्वर्ट हो जाता है, बोडे प्लॉट आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन पर बातें आप लोग करते हो, ठीक है, कहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर बोडे प्लॉट पर बातें किया करते हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की बातें किया करते हैं, और जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की बातें करते हो साथ ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको क्या डिसाइड करती है कि वहां पर आपका जैसे लाइक ये ऐसे कुछ हुआ होगा, मतलब कॉर्नर्स आपके डिसाइड होते हैं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी के कॉर्नर्स डिसाइड हुए हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को आप लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, किसको आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, बिकॉज कि यहां पर आपकी कर्व जो है वे कॉर्नर वहां पर बना हुआ है
दैट्स कॉल्ड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी की किसकी बातें करता है, तो विद द हेल्प ऑफ फेज मार्जिन एंड गेज मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फेज मार्जिन प्लस गेन मार्जिन उठा करके लाते हो और यहाँ पर इसकी जब बात करते हो, देन यू टेल अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, आप किसकी बातें करने लगते हो, रिलेटिव स्टेबिलिटी की आप यहाँ पर बातें करने लगते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करिएगा, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर ये जरूर देखिएगा कि इस फॉर्म पर है कि नहीं, वन प्लस एस बाई होना चाहिए, वन प्लस एस डिवाइडेड बाई। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी मैं स्लोपिंग पूछ लेता, तो आप बताते कि सर ये -20 dB/d आएगा, -20 dB/d, और फिर सर ये आ जाएगा -40 dB/d, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिनोमिनेटर पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, अगली बातों पर आते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वह किसके एनालॉगस होता है, विस्कस डैम्पर, स्प्रिंग मास, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनमें से किसके एनालॉगस हुआ करता है, बताइए भाई बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस होता है इन केस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम पर ये किसके एनालॉगस आपको मिलता है, तो दिस इज एनालॉगस टू द डैम्पर्स, विस्कस डैम्पर के आपके एनालॉगस हुआ करता है। अगर आपसे स्प्रिंग की बात करूँ, तो स्प्रिंग किसके होता है या मास किसके होता है, नन ऑफ अबव तो छोड़ दो, चलो जल्दी आंसर करिए, मास किसके होता है बच्चों, रेजिस्टेंस डैम्पर बतला दिया, मास का बतलाइए, मास, मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, इंफॉर्मेशन मार्च के पहले नहीं होगा, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर जरिए बतलाइए, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपने कहा कि सर इंडक्टेंस लगा दीजिए, चलो भाई कर देते हैं, एंड मास के लिए क्या लगाओगे फिर, यहाँ पे आपकी ये कौन सी एनालॉजी होगी, तो ऑब्वियसली ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी होगी। ठीक है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बातें चल रही होंगी। अच्छा भाई, अच्छा कुछ भी चल रहा है क्या, आई स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कर क्या रहे हो यार आप लोग, चलो भाई जल्दी आंसर करो, आंसर ही नहीं करना यार इसका तो अब तो, ऐसी बच्चों वाली चीज़ें अगर आप गलत गलतियाँ कर रहे हो और कह रहे हो कि सर मेरे को जे ई बनना है, ए ई बनना है, कैसे काम चलेगा यार, चलो आंसर करो, देख रहा हूँ बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे मेरे जल्दी से। किशर मास का तो चलो ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का आप क्या करोगे, एक्चुअली मास इज द इंडक्टेंस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, दिस वन इज, यहाँ पर आपके ऐसे होंगे कॉन्स्टेंट्स। ओके, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फिगर आपको विजिबल है, अगर आपको फिगर विजिबल नहीं है तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका बन गया फिगर, दिस इज टी वन एंड दिस वन इज टी ए, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये आपका लगा हुआ है लोड, दिस इज द डायोड। बताइए द इन द सर्किट शोन इन फिगर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द थायरिस्टर, कौन सा थायरिस्टर, टी वन पर, टी वन पर आपका मैक्सिमम करंट बच्चों कितना फ्लो हो सकता है, तो टी वन पर आपकी मैक्सिमम करंट यहाँ पर कितनी फ्लो होनी चाहिए थी, बताइए भाई, तो टी वन पर आपकी मैक्सिमम करंट ये कौन सा है, ये कम्यूटेशन का फिगर है, टी वन पर आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी वी एस अपॉन आर। ठीक है, टी वन पर मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर जाएगी, वी एस अपॉन आर, एंड टी टू पर आपकी कितनी, टी ए पर कितनी फ्लो करेगी, ठीक है, टी टू पर आपका, सॉरी टी टू बोलो मैं, टी ए ऑक्सिलरी थायरिस्टर पर आपकी मैक्सिमम करंट बच्चों यहां पर कितनी फ्लो करेगी, बताइए भाई आंसर करें। ठीक है, बताएं भाई, कोई बच्चे आंसर कर रहे हैं क्या, अच्छा एक बात बतलाओ धनंजय, आप कह रहे हो कि सर बी कर दीजिए, तो इनके केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जब ये थायरिस्टर है तो इससे करंट तो आई नॉट आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये करंट तो बच्चों आई नॉट आ जाएगी, कैपेसिटर अगर आपका किस पोलरिटी से चार्ज रहा होगा, 100% इस पोलरिटी से चार्ज रहा होगा, तो कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होगा तो कैसे डिस्चार्ज होगा, ऐसे आएगा, ये डायोड क्या करेगा फिर वहाँ पर बैठ के, डायोड क्या करेगा, बहुत सही, सी नंबर भी लगा दिया कुछ महान इंसानों ने, ऐसे ही करना है यार आप लोग। ठीक है, तो पहली बात कि डायोड रिवर्स बायस पर है तो करंट फ्लो नहीं होने देगा, दूसरी बात मैं कहता हूँ कैपेसिटर की आप पोलरिटी भी मान लो, वैसे तो होगी नहीं, गलत बात होगी, लेकिन अगर आप पोलरिटी उल्टी भी कर दोगे ना, तो थायरिस्टर रिवर्स बायस इस कैपेसिटर के लिए दिख जाएगा, तो दूसरा तीसरा दोनों गलत,
अब आओ जरा अगले पर आ जाओ, आंसर नंबर ए सही कर दो। इन केस ऑफ जब ओनली थायस्टर T1 इज कंडक्टिंग, जब आपका थायस्टर T1 कंडक्ट कर रहा होगा ना, तो बच्चों आपकी यहाँ से आई नॉट करेंट फ्लो हो रही होगी। फिर आप जब ऑक्सिलरी थायस्टर TA को कंडक्ट कराएंगे, जब आप अपने ऑक्सिलरी थायस्टर TA को कंडक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर बच्चों करंट होगी वी एस अपॉन आर प्लस वी एस रूट सी अपॉन एल, वी एस रूट सी अपॉन एल। ठीक है, दिस इज द करेंट इन द ऑक्सिलरी थायरिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट होगा आंसर। समझे बात को? रेखा सिंह मौर्य, क्या है भैया नो? क्या व्हाट्स नो? ए नंबर इसका करेक्ट होगा, सी नंबर नहीं करेक्ट होगा। सी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सी एंड डी का। एंड ए या बी पर जा सकता था, उस पर भी जो कंडक्शन होगा वो ए का होगा। और देखो यहाँ पर ऐसे पोलैरिटी बनी हुई थी, मैंने तो देखा भी नहीं, तो ये पोलैरिटी बनी हुई थी बच्चों, यहाँ पर आपका ऑलरेडी पोलैरिटी बनी हुई थी। ए नंबर आपका करेक्ट होगा। कम से कम इसका डिस्चार्जिंग तो सोचिए कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा। कैपेसिटर का जब आप लोग डिस्चार्ज करा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग करंट तो सही निकाल रहे हो, वी एस रूट सी अपॉन एल। ठीक है, इसकी बात, ये भी रट्टाफिकेशन होगा बहुत से बच्चों का, सॉल्व नहीं किया होगा। तो जब वी एस रूट सी अपॉन एल आपने निकाल लिया है, तो बात तो ये ठीक है, लेकिन फिर इसको डिस्चार्ज तो कराइए। और डिस्चार्ज कराने के लिए ये डायोड क्यों लगाया था? डायोड अगर ऐसा इसलिए ही तो लगाया था कि यहाँ पर आप डिस्चार्ज ना करा सकें इसको। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर डायोड यूज किया था। और अगर आपने डायोड यहाँ पर यूज कर ही रखा है, डायोड यहाँ पर बच्चों यूज कर रखा है, तो फिर आप उल्टा कैसे करंट फ्लो करा सकते हो? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें इन क्वेश्चंस पर। चलिए आज का लास्ट वन क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। कम्यूटेशन की बातें आपसे मैं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फिगर वेयर कैपेसिटर सी इज चार्ज टू वोल्टेज वी एस विद पोलैरिटी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो आपकी पोलैरिटी दिखलाई गई है, तो उसमें कह रहा है कि क्या क्या आपकी पोलैरिटीज होंगी, यहाँ पर आपका कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं कंडक्ट करेगा, या फिर कैसा यहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, कैसा यहाँ पर बच्चों ऑपरेशन होने वाला है? तो चलिए भाई जल्दी से इसकी सूचना दे दें। यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन आपको दिखलाया गया? क्लास सी कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन के बारे में आपको बातें क्या पता है कि इसमें एक बार में एक थायस्टर कंडक्ट करता है, दोनों थायस्टर एक बार में आपके कंडक्ट नहीं किया करते हैं। चलो देखते हैं भाई आंसर कौन कौन बच्चे कर रहे हैं। कम्यूटेशन और या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर थोड़ा सा हिल जाते हो ना आप लोग कि सर यही बात नहीं समझ आती है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ T1 टर्न ऑन T2, कह रहा है कि अगर आपको T1 को टर्न ऑफ करना हो, अगर आपको T1 को टर्न ऑफ करना हो, तो देन टर्न ऑन कर दें T2 को। ठीक है, मान लो आप इधर पे T1 को टर्न ऑन करते हो ना, तो ये कह रहा है कि इसको टर्न ऑफ कर दो। तो देखो अगर आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया ना, तो जरा पोलैरिटी आपको कैपेसिटर की देखनी पड़ेगी। कैपेसिटर कैसे आ जाएगा? उल्टा पोलैरिटी दिखलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकेंड नंबर सही होगा। इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ T2, टर्न ऑफ T2 टर्न ऑन T1 क्या करेगा? आपको अगर T2 को बोल रहा है क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ T2, अगर आप T2 को टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो T1 को टर्न ऑन कर दो। बात तो सही है यार, एक को टर्न ऑन करना होता है, तो दूसरे को टर्न ऑफ करना होता है। और मैक्सिमम करंट जो होती है वो VS अपॉन R1 प्लस 2 VS अपॉन R2 हो सकती थी। एट द इंस्टेंट ऑफ टर्न ऑन SCR इनिशियल थायरिस्टर करंट इज दिस। ओ सॉरी, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये 2-2 दिया हुआ है, ये आपका नहीं रहेगा। तो एक तो पहले तो आपका फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? फोर्थ पॉइंट करेक्ट होने वाला है, क्योंकि वी एस अपॉन आर वन प्लस 2 VS अपॉन R2 होता है, दोनों पर डबल वैल्यूज ये नहीं होती हैं। ठीक है, तो VS अपॉन R1 प्लस 2 VS अपॉन R2, तो यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? ऑब्वियसली T1 को टर्न ऑन किया है एंड T2 को टर्न ऑफ गुड किया है, मॉर्निंग तो यहाँ से क्लास, आप ले सकते हैं इन वेलकम टू ऑर्डर टू EAD टर्न ऑन फैमिली। T1 आज T2 को की टर्न ऑफ कर देना उसमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सही कराइए, टू एंड फ्लक्स फोर, तो ऑप्शन नंबर स्थापित ए होने करेक्ट का होगा। कौन सा विरोध, ऑप्शन सही हो जाएगा? हम यहाँ क्या पर होता ए है नंबर आपका टू करेक्ट होगा, पेरिफेरल ध्यान स्पीड रखिएगा ऑफ यहाँ पर रोटर। मैंने इसको टू गलत ग्राउंड से ऑर्डर फॉल्ट की दिया अगर, है थर्ड ठीक को, है, क्योंकि गलत करने का मेरे पास प्रॉपर इसका रीजन वैल्यू था अगर कि मैं 2 अपॉन नेसेसरी आर वन कैरेक्टर प्लस 2 अपॉन आर टू परमिटिविटी नहीं होता है, द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। VS इंटू 1 अपॉन R1 प्लस तो ये टू सारे वीएस आपके जो अपॉन एग्जांपल्स हैं वो सिंगल आर टू फेज ये इंडक्शन होता है मोटर के हैं। फोर्थ पॉइंट। एंड चूंकि ये करंट आपकी इधर से फ्लो की है, तो मैंने लगा लिया दिमाग कि ये VS अपॉन R1 हो जाएगा, और यहाँ से जब आएगा तो ये 2 VS अपॉन R2 आएगा, क्योंकि कैपेसिटर हैज बीन चार्ज फ्रॉम दिस पोलैरिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ जी आंसर मुझको कर रहे हैं। अच्छा भाई चलो,
तो आज का आपका ये था लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा घर पे जाकर के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ। कल का जो पेपर होने वाला है वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। पढ़ाई करके आइएगा, ऐसे ही मत आइएगा कि नहीं सर हम तो बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। अगर यही बनना चाहते हैं, यही बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई रेगुलर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सर। UPPCLAE का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो मोहन मैं आपको कहूँगा कि यार PCLAE का एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल पे होना चाहिए। मार्च पर भी चांसेस कम है, अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।